अब तक आपने देखा? हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं लड़की देखने। आप उस बस्ती में नहीं जा सकती। क्यों? एक बार किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाए फिर भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, नजर लग जाती। तुम कुछ नहीं पूछोगे फिर भी दो तीन बातें जरूर देख लेना। जब वो बैठती है तो उसकी कमर सीधी रहती है कि टेढ़ी बैठती है? तुम भी हाथ धोकर सबके साथ खाना खा लो। तो हम रघु के आने के बाद खाएंगे। बेटे रघु का इंतजार क्यों? हमने रघु से कहा था कि वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना लाके खिलाए हमें। There he comes. Thank God, रघु, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। बहुत भूख लगी थी। चलो अभी हाथ धोकर आते हैं। Please. रखो इसको इधर रखो। जी जी मालिक सर। खोलो। इधर आओ जल्दी जल्दी। इसको लेकर जाओ, खाली करो और इसमें हमारा वाला खाना पैक करके लाओ फटाफट। रघु अगर शिवानी कुछ पूछे तो उससे कहना कि हम ये जो खाना टिफिन में रखवा रहे हैं वो तुम्हारे ही घर से है, समझे? जी मालिक। पर बलवन रघु के घर के खाने में क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, हम लोग खाएंगे ना बाद में। लेकिन शिवानी को मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाने दे सकता। अरे क्या हुआ? साजू साजू देखिए ना कितना सारा खाना है। रघु तुम्हारी माँ ने इतना सारा खाना अकेले बनाया? जी जी बेबी जी। उन्हें हमारी तरफ से थैंक्स कहना। वैसे रघु तुम हमारे लिए ये सब खाना ले आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारी शादी में कुछ गिफ्ट नहीं दोगे। चलो बताओ क्या दोगे हमें? अरे रघु तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो, वो तुम्हारी टांग खींच रही है। योर राणा जी को मारे घर का खाना बहुत चुप्पो लगे। तभी तो हर दूसरे दिन मारे बेटे के हाथों मारे घर का खाना मंगवाते रहते हैं। हैसियत वालों कोई एक दूसरे की कदर हुए तू नहीं समझेगो। ला बिड़ दे साइन तो बराबर का भाया। एक पूरी। भाई रघु खाना वाकई बहुत बढ़िया बना। रघु तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बल्कि आज मालिक साहब को अपने घर का खाना खिलाने का मौका मिला, मुझे और क्या चाहिए।
रघु, खाना खाया तुमने? खा लूंगा मालिक साहब। क्यों डॉक्टर, घोड़े दौड़ने बंद हुए या नहीं? अरे बिल्कुल बंद हो गए, पर कमाल है बलवान। क्या कमाल? आज तक मैंने ऐसे मालिक और नौकर नहीं देखा जो एक दूसरे को इतना पसंद करते। रघु, हमारा नौकर नहीं है डॉक्टर, बल्कि अब तो वो हमारी बैसाखी बन चुका है। वो बैसाखी जिसकी उम्मीद हमने कभी जसवंत से की थी, लेकिन माने तो कोई उम्मीद को नहीं। पता नहीं वो छोरी रघु के लायक होगी भी या नहीं। अरे तो तू क्यों नहीं आई हमारे साथ लड़की से मिलने? तू चिंता मत कर, घनी प्यारी बच्ची है सुमित्रा। सुनिए, कई बात है, आज बड़ी जल्दी आ गया थे, टेम्पो की आवाज भी नहीं है। साड़ी नाक कटा दी कटारा टेम्पो ने, सुपरवाइजर के सामने इंजन पे एक बड़ा काम देने वाला था, वो भी हंस से गया। साड़ी मारी किस्मत ही गड़बड़ है। रघु नहीं है? रघु ने रखवाए थे घर की मरम्मत के लिए, अभी इन पैसों से टेम्पो ठीक करा लेना, बाद में उसे दे देना भाड़ा कमा के। तुझे बड़ी फिक्र है रघु की, थारा सौतेड़ा बेटा है रघु। सौतेड़ी मां को इतना नहीं सोचना चाहिए। ये क्यों नहीं सोचते रघु के बारे में भला? थे तो सगा बाप होना। ये मानिकलाल जी का दे देना, और हाँ ये साथ में ये कैश भी। जी मालिक साहब। मालिक साहब। और रघु, जाते वक्त ये हल्दी और मेहंदी के सैंपल्स डॉक्टर राव की लैब में छोड़ देना, वो इनको टेस्ट करके बता देंगे कि इनसे शिवानी को एलर्जी तो नहीं होगी। जी मालिक। ये जो मेहंदी होती है ना, सुहाग की निशानी होती है। हाथों पर इसका रंग जितना निखर के आता है ना, कहते हैं कि उसके पति का प्यार उतना ही गहरा और पक्का। हल्दी? हल्दी? हल्दी तो दुल्हन के चेहरे पर ऐसा निखार लेके आती है कि देखने वालों के मन से भी ना उसके लिए ढेर सारी दुआएं निकलती हैं। पन्ना दाई, यू आर ग्रेट। आपको इन सब रस्मों के बारे में कितना कुछ पता है, कैसे? अरे कैसे का क्या मतलब है, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे बताया, और जब उनकी शादी हुई तो उनकी मां ने उन्हें सब कुछ बताया। और बेबी जी, क्या हुआ? अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो वही मुझे ये सब बातें बता रही होती ना। दादाजी, अगर आप
थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लें तो। आप सुबह भी कुछ कहना चाह रहे थे ना, लेकिन वो मैं कितना चाहिए दादाजी? वो मैं इनसे कह रही थी कि इस वक्त आपको डिस्टर्ब ना करें। 15 लाख जी, अभी और इसी वक्त। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतने पैसे आपको किस लिए चाहिए? वो दादाजी, इन्हें इतने पैसे नए बिजनेस में लगाने के लिए चाहिए। बोलो ना जैस। I'm sorry, इतने पैसे मैं नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको 2-4 हजार रुपए की जरूरत हो तो कहिए, मैं अकाउंटेंट से कह देता हूँ, वो आपको दे देगा। शिवानी की शादी में उड़ाने के लिए आपके पास लाखों हैं, और मेरे लिए? अरे शादी में भी इससे कहीं ज्यादा खर्च हो, बावजूद हमारी मर्जी के। और हमारे आशीर्वाद के बगैर। पंद्रह लाख के लिए इतना लेक्चर? स्वीटी, तुम कहते थे ना बचपन में स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट पे तुम दादाजी के नकली सिग्नेचर किया करते थे। हाँ तो महिमा, तो कुछ नहीं, एक मिनट। दादाजी की नकली सिग्नेचर। दीजिए भाई साहब। मैं भी इनसे यही कह रही थी। आई प्रॉमिस आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। हल्दी और मेहंदी की जांच हो गई है और चिंता की कोई बात नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। बीवी जी को एलर्जी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है रघु, तुम घर चले जाओ। जी जी मालिक साहब, सभी निकल रहे हैं। वैसे रघु, तुम हमारे लिए ये सब खाना ले आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारी शादी में कुछ गिफ्ट नहीं दोगे। चलो बताओ क्या दोगे तुम हमें? कितने का है? 50 रुपए का।
वर्षा की गाड़ी स्कूल वाले प्लॉट पे अचानक, गाड़ी खराब तो नहीं हो गई? डोंट वरी गोलचा साहब, इस जमीन पर स्कूल कभी नहीं बनेगा। गोलचा साहब, इस जमीन पर अपना होटल रिजॉर्ट ही बनेगा। हमारे रिजॉर्ट में हर खिड़की से यहाँ के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाई देंगे। वो सारी बातें बाद में, मेरे लॉयर ने बताया है कि जब तक ये जमीन शिवानी जी के नाम पर है तब गोलचा तक। गोलचा साहब, यू अंडर एस्टिमेट, थोड़ा वक्त रुक जाइए। शिवानी खुद ये सारी जमीन मेरे नाम कर दे। एक बार शिवानी से मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं जहां चाहूंगा, जहां कहूंगा, वो आंख बंद करके साइन कर देगी। यहां पर हम अपना होटल रिजॉर्ट बनाकर सोना उगा सकते हैं। तो फिर ये हाथों का स्कूल स्कूल बनाकर क्यों बर्बाद करें? और वैसे भी राणा जी को यहां स्कूल बनाकर पुण्य ही कमाना है। कमा लिया ना पुण्य, मुझ जैसे अनाथ बच्चे को पालकर। लेकिन अब ये मेरा फर्ज बन रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई और समझदारी का सही इस्तेमाल करूं, राइट? नमस्ते अभिमन्यु, कुछ तो जादू किया तुमने बलवंत राणा पे कि उन्होंने आंखें मूंद के अपनी पोती की जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी। वन हेल ऑफ अ लकी गाय। बात लकी नहीं है गोलचा साहब, बात मेहनत और लगन की है। बहुत साल पहले से इस प्लान पर मैं काम कर रहा था। और वैसे भी शिवानी और उसके दादाजी बलवंत राणा का विश्वास जीतना इतना आसान नहीं था। खैर, आप अपने लॉयर से पेपर्स तैयार करवाइए। शिवानी से शादी होते ही उन पेपर्स पर उसके सिग्नेचर्स लेने की जिम्मेदारी मेरी है। ऑल द बेस्ट। आइए गोलचा साहब, आपको आगे की जमीन दिखाता हूं। वक्त रुक चाहिए, उसके बाद शिवानी ये सारी प्रॉपर्टी खुद मेरे नाम करेगी। रघु इस घर का नौकर नहीं है, हम उसे इस घर का हिस्सा मानते हैं। रघु भी इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है।